श्री राम भक्त हनुमान का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन धाम में हुआ था, जो जंगल व पहाड़ों से घिरा है। आंजन एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल है। आंजन गांव से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी स्थित गुफा में माता अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। अंजनी गुफा के नजदीक उनकी गोद में हनुमान के साथ मां अंजनी की एक मूर्ति है। इसे महावीर हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है, जहां आज अंजनी माता की प्रस्तर मूर्ति विद्यमान है। अंजनी माता जिस गुफा में रहा करती थी, उसका प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से बंद था, लेकिन अब गुफा खुलने से श्रद्धालुओं के लिए यह दर्शनीय स्थल बन गया है। आंजन में शिव की पूजा की भी परंपरा प्राचीन है। पहाड़ी चोटी पर स्थित गुफा में एवं मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुरोहित केदारनाथ पांडे एवं चरवा भगत ने बताया कि अंजनी माता प्रत्येक दिन एक तालाब में स्नान कर शिवलिंग की पूजा करती थी। यहां 360 शिवलिंग व उतने ही तालाब थे। अंजनी माता गुफा से निकलकर प्रत्येक दिन एक शिवलिंग की पूजा करती थी। आज भी आंजन गांव में तालाब एवं शिवलिंग विभिन्न जगहों पर विद्यमान है। माता अंजनी एवं हनुमान भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं एवं अपनी कामना पूर्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। गांव का नाम महावीर हनुमान की मां देवी अंजनी के नाम से लिया गया है। गुफा के कुछ ही दूरी पर पहाड़ी चोटी पर ही दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद एवं जलपान के लिए कुछ दुकान लगाए जाते हैं। साथ ही वहीं पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विश्राम गृह यात्री प्रतीक्षालय बने हुए हैं। पहाड़ी चोटी पर स्थित गुफा के प्रवेश द्वार पर बांस की कारीगरी के साथ आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया गया है। साथ ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए वन विभाग द्वारा बांसों से आकर्षक बैरिकेडिंग किया गया है। गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। माता अंजनी जो है शिव का परम भक्त रहे और उनका आराधना में लीन रहे, तब शिव जी खुश है कि उनके जो है से मने वरदान के रूप में यानी दीक्षा के रूप में जो है से उनका कान फूक रहा है। शिव आराधना के लिए माता अंजनी क्या क्या करती थी? शिव आराधना के लिए माता अंजनी नित्य क्रिया था कि एक महुआ का पेड़ से दत्वन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा किया करती थी। 365 दिन अभी भी वर्तमान में 45 शिवलिंग है और अभी भी उतना तालाब है, उतना मामा का पेड़ है। अच्छा, ये आदि काल से कर रहे हैं गुफा ही के। हनुमान जी का जन्म स्थान है ये गुफा, और यहाँ पर जहाँ हनुमान जी जन्म हुए और अंतिम हो गया, उसका मूर्ति पत्थर हो गया। वो मूर्ति को यहाँ पूर्वज लोग यहाँ उठा कर नीचे चक्रधारी देवता है, नीचे में मंदिर है, वहाँ पर हम इसको ले गया है। वहाँ 360 महुआ का पेड़ और 360 तालाब और 360 शिवलिंग, और यहाँ पर का मनोकामना होता है जो शिवलिंग को पूजा पाठ करने से, और यहाँ आदि काल से भी यहाँ जो पूजा पाठ करता है उसका मनोकामना अच्छी तरह से होते जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हाँ, आपका नाम? हाँ, श्री चरवा भगत, और ये बाबू रहता है सिमरजी का है। आप यहाँ के पुजारी हुए? हाँ, यहाँ का पुजारी हम लोग का है। कम से कम 50 साल हो जा रहे हैं हम लोग मंदिर न, उस समय से